जेडीयू से गठबंधन टूटा और उसके बाद आरजेडी की यह पहली रैली है। पार्टी देश बचाओ भाजपा भगाओ रैली आयोजित कर रही है। इसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी समेत देश की तमाम विपक्षी पार्टियां हिस्सा ले रही हैं। इस रैली में जेडीयू से बागी हुए शरद यादव भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी, अखिलेश समेत कई दिग्गज लालू के साथ मंच साझा करते दिखेंगे। इस रैली में कांग्रेस तो हिस्सा ले रही है, लेकिन सोनिया और राहुल गांधी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। आरजेडी ने इस रैली को कामयाब बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पटना शहर रैली के रंग बिरंगा नजर आ रहा है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान तक जाने वाली सभी सड़कें पोस्टर और बैनर से पाट दिए गए हैं। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि पटना में रैली नहीं है, बल्कि आज रैली में पटना नजर आएगा। तो लालू की रैली की पहचान नाच गाना भी रही है। पटना रैली में समर्थक डांस कर रहे हैं और इस बारे में ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा दे रहे हैं। लालू यादव की भाजपा भगाओ देश बचाओ महारैली आज पटना में सुबह से लगातार कार्यकर्ता और सूबे भर से समर्थक गांधी मैदान पहुंच रहे हैं। लालू यादव की रैली की खासियत होती है कि उसमें रंग कई देखने को मिलते हैं। अब ये रंग देखिए, तरह तरह से लोग नाचते झूमते गाते हुए पहुंच रहे हैं लालू यादव की रैली में। देखिए कितना जोश है लोगों में, लोग किस तरीके से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। कहाँ आए हैं, रैली में क्या किस लिए आए हैं बताइए। हमको धोखा से मारा गया है नीतीश कुमार, हमारा वोट लेके बीजेपी के गोद में चले गए। गरीबों का ताकत चाहिए, सबसे उसे उसे तस्वीर कहते हैं, अकेले जमे थे उसे नीतीश का तीर कहते। देखिए तमाम लोग जो तमाम कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं तमाम लोग। देखिए यहाँ पर लालू यादव के अक्सर रैली में आपको आपको वो रंग देखने को मिलेगा जहाँ पर नाच गाना सब कुछ रहता है। लालू यादव के रैली की ये संस्कृति हमेशा से रही है जहाँ पर इस तरीके का नाच गाना आपको देखने को मिलेगा समर्थकों के बीच। लालू यादव की रैली है और बिहार भर से पहुँच रहे समर्थक विपक्षी एकजुटता दिखाना है और उसके लिए लालू यादव और उनके बेटों ने पूरी ताकत लगाई है। विजय सचंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। विपक्षी ताकत दिखाने की कोशिश है, हालांकि कांग्रेस शामिल तो हो रही है, लेकिन ना तो राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं ना सोनिया गांधी वहां पहुंच रही हैं। रजनीश सिन्हा हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। रजनीश, आज कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है और कितने बजे से ये रैली शुरू होनी है? अच्छा, देखिए इस समय हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद है जहाँ पर रैली होनी है। अभी तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आना है, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव आएंगे, शरद यादव रहेंगे, कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद और सीपी जोशी रहेंगे। लालू यादव ने कोशिश की कि विपक्ष के हर चेहरे को जोड़ा जाए, लेफ्ट के नेता पहुंचेंगे। आपको तस्वीर भी अच्छे हम दिखा देते हैं एक बार मंच की। पीछे ये मंच तैयार है, LCD स्क्रीन लगे हुए हैं जिस पर तेजस्वी यादव का भाषण चल रहा है। लालू यादव के बेटों ने कमान संभाली है तो थोड़ी सी जो रूपरेखा है रैली की वो बदल गई है। हाईटेक रैली है, व्यवस्था जो है वो हाईटेक की गई है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग किया गया है रैली को। मंच इस तरीके से बनाया गया है कि एक मंच पर तमाम विधायक मौजूद हो और दूसरे मंच पर जो VIPs हैं वो मौजूद हैं। वहाँ लालू यादव होंगे, राबड़ी देवी होंगी, ममता बनर्जी होंगी, अखिलेश यादव होंगे, शरद यादव होंगे। तो रैली बहुत खास है क्योंकि लोग तो बिहार भर से पहुँच ही रहे हैं, लालू यादव शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बीजेपी के जाने के साथ जाने के बाद अक्षय पहली रैली है तो लालू यादव इस रैली के जरिए एक साथ कई संदेश देना चाहते हैं। नीतीश बीजेपी के साथ चले गए हैं, लेकिन शरद आज इस रैली में जब शामिल होंगे तो देखना यह है कि उसके बाद कितने दिन तक जेडीयू के साथ उनका साथ बरकरार रहता है, क्या जेडीयू की तरफ से उन पर एक्शन लेता है।